तो ऐसे लेके जा रहे हो जैसे तुम्हें पता हो सोबिया घर का है? सोबिया का घर तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हें सोबिया के घर नहीं जाना था। समझदार हो गए हो, बनता भी है, अमीर जो हो गए। अमीर होने से भी समझदार होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि खुशकिस्मत जरूर हो जाता। जो साथ छोड़ के चले जाते हैं वो भी पुकार लेते। तुम्हें मेरा पुकारना बुरा लगा? मुझे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है इसकी परवाह तुम्हें कब से होने लगी? शानी टर्न्स के तीर चलाना बंद करो ना। और वैसे भी जो आजमाइशों पे पूरा उतर है उसकी परवाह करना तो बनता है ना। इतने अरसे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया मुझे कॉल करने का। तुमने ऐसा कोई रिश्ता छोड़ा ही कब था? खुश हो उसके साथ? वो खुश है मेरे साथ। लेकिन तुमने ये गलती की, तुम्हें घर दामाद बनने पर राजी नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब है तुम्हारे पास मौका था, अपनी शरायत रख सकते थे उनके आगे। कैसी शरारत? हेलनुमा घर पे रहती है, वो घर अपने नाम करवा सकते थे। तो मुझे उससे ऐसी किसी शर्त को मनवाने की जरूरत नहीं। इस तरह वो अपनी मोहब्बत भी आजमा लेती। मैंने तो सुना है कि लोग मोहब्बत में सब कुछ गवा देने को हौसला रखते हैं। एक बात कहूँ सुजिला, मुझे शांजी की मोहब्बत को आजमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे है शानी, तुम शायद भूल रहे हो कि हमने एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। नहीं, अच्छा मुझे मेरी फेवरेट जगह से आइसक्रीम खिलाओ, उसके बाद घर ड्रॉप करते हैं। क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? शांति को देख लिया क्या? हाँ नहीं कुछ नहीं। पार्क करो चलो। हाँ चलो भी। हाँ तुम चलो। मैं अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चले गए थे तुम, इतनी देर से आए हो? अम्मी बताया तो था कि एडमिशन के फॉर्म जमा करवाने थे। हो गए जमा? जी हो गया, बस कुछ दिनों में मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तुमने शानी से मशवरा कर लिया था बेटा?
उसकी मर्जी है ना इस नए एडमिशन के लिए। भाई से क्या मशवरा करना, आपको तो पता है उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, एडमिशन चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो। सबकी खुशियों का ख्याल रखता है मेरा बच्चा, किसी पे अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करता। बड़ा लाड आ रहा है आपको आजकल उन पे भाई। क्यों ना आए, बेटा है मेरा। चले मुझे एक बात बताएं आप, जब मैं भी अमीर हो जाऊंगा तब आप भी मुझसे इतना ही प्यार करेंगी? क्या हो गया? छोड़ो। अच्छा I'm sorry, मुझे पता आपको मेरी बात बुरी लगी है ना। बुरी नहीं, बहुत बुरी लगी है। अगर माँ पैसा देख के प्यार करती ना अपनी औलाद से, तो अल्लाह उसके कदमों तले जन्नत ना रखता। अच्छा I'm sorry, आइंदा I promise ऐसी बात नहीं करूंगा। अच्छा ये चाय पिए, ये ठंडी हो रही है ना। पी भी लें। तुमने ये गलती की, तुम्हें घर दामाद बनने पर राजी नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब है तुम्हारे पास मौका था, अपनी शरायत रख सकते थे उनके आगे। कैसी शरायत? हेल नुमा घर पे रहती है, वो घर अपने नाम करवा सकते थे तुम। मुझे उससे ऐसी किसी शर्त को मनवाने की जरूरत नहीं। इस तरह वो अपनी मोहब्बत भी आजमा लेती। मैंने तो सुना है कि लोग मोहब्बत में सब कुछ गवा देने को हौसला रखते हैं। एक बात कौन से जिला? मुझे शानजी की मोहब्बत को आजमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे है शानी, तुम शायद भूल रहे हो कि हमने एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने का फैसला किया। नहीं, क्या ये? It's for you. क्यों? गिफ्ट क्या आप? और क्या क्या गिफ्ट करोगी मुझे? क्यों मुझे लम्हा लम्हा मारना चाहती हो? इस तरह रिएक्ट मत करें प्लीज। शांति, ये घर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें गिफ्ट किया है, मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है। और मुझ पर? मुझ पर तो आप अपना हक समझते हैं ना। जब मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर आपका हक है, तो मेरी हर चीज पर आपका हक है। चीजों को देकर अपना हक साबित करती रहोगी तो इस मोहब्बत का हक मैं कभी अदा नहीं कर सकूंगा। आपने कहा था ना कि बेटी के घर में रहने और बहू के घर में रहने में बहुत फर्क होता है, तो ये घर अब आपका है, आंटी के बेटे का। अब तो कोई नदामत महसूस नहीं होगी आपको। टैग बदल जाने से चीजों की हकीकत नहीं बदल जाती शानी। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ शानी। तुम्हें क्या लगता है, ये घर मिल जाने से मैं खुश हो जाऊंगा? कितना गलत मेयार है मेरी खुशी का तुम्हारी नजर में। मेरे अख्तियार में होता तो अपनी जान दे के साबित कर देती। कि मेरी हर चीज पर सिर्फ आपका हक है, मेरी रूह पर भी, मेरी सांसों पर भी। Thank you.
मोहब्बत को साबित करने के लिए तुम्हें किसी गवाही किसी सबूत की जरूरत नहीं है शान से। यकीन कर लो इस बात का। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ रहे। तो कैसी लगी आपको गाड़ी? अपनी अपनी सी। ओ, मेरा मतलब है बहुत जबरदस्त है। पापा ने गिफ्ट किया मुझे। सीमा तुमने अपने घर में मेरा जिक्र किया? Are you insane, जुगनू? जब तक हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। यार तुम तो जुगनू मत बोलो, मुझे असल नाम से बुलाया करो। वो क्या है ना कि अब मुझे कोई मेरे असल नाम से बुलाते ना तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि आया वो मुझे बुला रहे या किसी और को। ओके सुभान, मुझे बस जुगनू कहना अच्छा लगता है। और मुझे तुम्हारा सुभान कहना बहुत अच्छा लगता है। और ये पाबंदी सिर्फ मेरे लिए क्यों? अरे पाबंदी नहीं है जनाब, ये आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। सोचे कि जब आप अपने पेरेंट्स को बताएंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसका नाम जुगनू है, तो वो हंसेंगे आप पे, कहेंगे कि हमारी लड़की आज भी तारों जुगनुओं से बाहर नहीं आई। बात तो सही है तुम्हारी, अगर मैं किसी को तुम्हारा नाम बताऊंगी जुगनू तो उसे अंदाजा नहीं हो पाएगा कि कितने हैंडसम लड़के की बात हो रही है। थैंक यू सो मच। बस एक बात कहूं सी, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को तारों और जुगनुओं के शहर में ले ही जाती है। डोंट ट्राई टू बी रोमांटिक, ओके? जी जी, मुझे पता है कि आपकी ग्रेजुएशन तक इस पर भी पाबंदी है। मैं एक बात को पकड़ लेते हो ना, बस हस्ती रख, अच्छी लगती हो। आपकी दुआएं कबूल होने का वक्त आ गया है। अल्लाह करे ऐसे ही। तुम्हारे बहकने से पहले अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। क्या हो गया अम्मी? मैंने क्यों बहकना है? कैसी बातें कर रही हैं? इसे बहकना ही कहते हैं। जब आपने किसी को छोड़ दिया हो और फिर दोबारा उससे बात करने के बहाने तलाश करो। निशानी से एक बार क्या मिलने चली गई, आपने तो दिल पे ही ले लिया। जो बात मोहल्ले वाले नहीं सोच रहे वो आप क्यों सोच रही हैं? जिसने भी देखा होगा ये जरूर सोचा होगा, लेकिन मसलियतन चुप रहा होगा। निशानी से मैं क्या पहले नहीं मिलती थी? कजन वाला रिश्ता अभी बाकी है ना? अल्लाह करे कि यही रिश्ता बाकी रहे। बस बद्दुआएं क्यों दे रही है? बद्दुआओं से बचा रही हूं मैं तुम्हें। और एक बात अच्छी तरह से अब सुन लो तुम मेरी, कोई भी तुम्हारा अच्छा रिश्ता आया तो फौरन हाँ कर दूंगी मैं। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। हाँ कोई भी अच्छा रिश्ता आया ना आपने फौरन हाँ कह देना। जिला क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में?
खुदा के लिए दुनिया के सामने मुझे रुसवा मत करना। मैं पहले कभी कुछ गलत किया था ना, आप कुछ करूँ? खुश है वो अपनी जिंदगी में, उसे खुश रहने दो। खुश नहीं है वो, सिर्फ रिश्ता निभा रहा है। तो निभाने दो, मुश्किलात खड़ी मत करो उसके लिए। मोहब्बत करता है वो मुझसे। ये एहसास करने का वक्त बहुत पहले गंवा चुकी हो तुम। बेटा शांजे को भी ले आते, तुम दोनों को साथ देखकर खुशी होती है। अम्मी बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे, इसलिए अकेले आ गया। खैरियत तो है? अम्मी शांजे चाहती है कि... अब क्या चाहती है वो? मेरा सब कुछ तो मुझसे ले लिया। वो चाहती है कि आप और जुगनू हमारे साथ शिफ्ट हो जाए। तुम क्या चाहते हो? मैं वही चाहता हूँ जो आप चाहेंगी। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। तो बेटा फिर हमें यहीं रहने दो। अच्छा नहीं लगता कि बहू के घर जाकर बहू बेटे के सर पे सवार हो जाए। मैंने भी उसे इनकार की यही दलील दी थी, लेकिन उसने मेरी दलील को गलत साबित कर दिया। क्या मतलब? अम्मी वो घर उसने मेरे नाम कर दिया है। क्या? वो महल नुमा घर उसने तुम्हारे नाम कर दिया? उसे लगता है कि आप इनकार नहीं कर सकेंगे। अपने बेटे के घर में सर उठा के रह सकेंगी आप। बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे। उसकी मोहब्बत ने तो जकड़ रखा है मुझे। बेटा उसके वालदेन तो चले गए इस ख्याल से कि तुम लोग सुकून से यहां रहो। अब हम वहां आ जाएं रहने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, उसके पेरेंट्स को तो जाना ही था, ये उनका पहले से प्लान था। तुम लोग कब जा रहे हो उनके पास? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं अम्मी, असल में बिजनेस बहुत तवज्जो चाहता है, अभी उसको टाइम देना होगा। जो भी फैसला करो बेटा शांजे की मर्जी से करना। शांजे का भी यही फैसला है। बेटा मैं हलवा गरम करके लाती हूँ, जुगनू ने फरमाइश करके बनवाया था, उसे भी जगाती हूँ, तुम्हारे साथ आके ही खा ले। आप रहने दीजिए, मैं गरम कर लेता। अरे वो तो मैं कर लूंगी, तुम जरा जुगनू को जगा दो, मेरे कमरे में सो रहा है। ये वक्त है सोने का, ये देर तक बड़ा सोता रहता है, जरा नजर रखा करें इसके ऊपर। आप उसको खूब कवर किया करें, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपके भाई? गुड मॉर्निंग। नहीं सो रहे थे अभी तक? जी वो आंख लग गई थी बस। देर तक जागते रहे हो रात को? सॉरी भाई, वो सोते सोते थोड़ी देर हो जाती है। आप बताएं भाभी आई हैं आपके साथ? नहीं नहीं वो नहीं आई, यहाँ सामने खड़े हो, मैंने बात करनी है तुमसे कुछ। जी भाई। मैंने तुम्हारे साथ एक लड़की को देखा, कौन है वो? भाई वो झूठ नहीं, जो पूछा उसका जवाब दो। भाई जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? पढ़ाई के दिन है ना, पढ़ाई पे फोकस करो। चलो बाहर आओ, इंतजार कर। अरे भाई इश्क की कोई उम्र थोड़ी होती है, खास तौर पे लड़की अमीरो, देर नहीं करनी चाहिए।
आप कहें तो मैं बॉस को बता दूं। नहीं नहीं इट्स ओके, जब फ्री हो जाएं तो लंच लेके आए मुला पाने। ठीक है। ऑफिशियल मीटिंग थी, तुम ज्वाइन कर लेती ना। मुझे यकीन था कि आपने लंच नहीं किया होगा, इसलिए मैं साथ लेके आई हूँ। लंच? ग्रेट। इसे मैंने किया तो नहीं है, लेकिन क्या कुछ खास बना के लेकर आई हो? ऐसा ही है, सोचा आपको खाने पे बुलाऊं, फिर आपको काम छोड़ के आना पड़ेगा, ना जाने कितनी देर हो जाएगी, इसलिए मैं खुद ले आई। तुम्हारे बुलाने पे पहले कभी देर की है मैंने? कम ऑन, देर एक नेचुरल रवैया है और मैं कभी माइंड नहीं करती। थैंक यू। यू आर वेलकम। आज आंटी और जुगनू को लेने जाऊंगी मैं। हाँ, मेरी भी बात हुई थी उनसे। मेरी भी बात हुई थी, मान गई आंटी। रियली? बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर मनाया उन्हें। खैर ये दाव तो तुम पहले भी खेल चुकी हो, बेटी ही समझती है वो तुम्हें। सॉरी, आई डिडंट मीन इट। मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें हमारे घर पे कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। कितनी देर लगेगी गाने में? आप बस आते ही होगा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अम्मी से बात करनी, मैं करवाती। अम्मी, पप्पू की कॉल है, बात करें। तुमने फोन किया था उनको? मैंने क्यों करना, उन्होंने कॉल किया, बात करें। हेलो। अरे भाई उससे क्यों डांट रही हो? और वो भी कर लेती तो कोई हर्ज नहीं था। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, तुम्हारी दुआएं चाहिए। बहुत दफा सोचा कि आपकी तरफ चक्कर लगाऊं, लेकिन क्या करूं, कोई ना कोई मसरूफियत आड़े आ जाती है। अरे भाई कोई बात नहीं, ये फासला आखिर एक ना एक दिन तो दूर होना ही था ना। तुम मेरी सिर्फ भाभी नहीं हो, मेरी बहन की तरह हो। अब जब भी ये बात करती हैं, बहुत मान बढ़ जाता है मेरा। भाई मैंने तुम्हें इस वक्त फोन इसलिए किया था कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ? शान से और शानी के साथ। मैं तो नहीं चाह रही थी, लेकिन उन दोनों ने इतना इसरार किया कि मुझे मानना ही पड़ा। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अगर शान से इतना प्यार करती है तो उसका घर आप सबका ही घर है। भाई वो घर तो अब मेरे शानी के नाम पे है, अल्लाह उसे नजरे बद से बचाए, कोई दुख ना दे मेरे बच्चे को। ओह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आप। खैर मुबारक। अच्छा भाई अब मैं फोन रखती हूँ, वो शानजे का ड्राइवर आने वाला है लेने के लिए, तुमसे फिर बात होगी। जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। किस बात की मुबारकबाद दे रही थी पप्पू को? शानजे ने अपना घर शानी के नाम कर दिया। वाकई? तुम किस लिए इतना खुश हो रहे हो? क्या बंदा खुश भी ना हो? मैं आई एक सेकंड।
शाजे ने अपना घर शानी के नाम कर दिया। हेलो, क्या बात है? तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। क्या मतलब? मैंने तुम्हें एक तजवीज क्या दी, तुमने झटपट अमल भी कर लिया उस पे। लगता है शांसे को बेवकूफ बनाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो गया अब तो। नहीं, मैं नहीं समझ रहा तुम क्या कह रही हो। बनो मत, मुझे तो ट्रीट चाहिए। ट्रीट किस बात की? कल मिलते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है मैम, मुझे कल लगा तो। नहीं नहीं, तुम नहीं आना, कल मुझे मार्केट जाना है, तुम्हें टेक्स्ट करूंगी। ठीक है, ओके बाय, लव यू। आंटी, आप सोच भी नहीं सकती कि आपको यहाँ पे देख के शानी कितने खुश रहेंगे। उसकी खुशी का तो मुझे पता नहीं, मगर मैं ये जानती हूँ कि मेरी बेटी को मेरे बेटे की खुशी की बहुत परवाह है। तुम्हें अपना कमरा पसंद आया? जी भाभी, सबसे मजे की बात तो ये कि उसका जो टेरेस है वो लॉन की तरफ खुलता है, क्या व्यू है वहाँ का। इसीलिए तुम्हें वो रूम दिया ताकि तुम फ्रेश एयर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सको। बेटा, अलग कमरा देने की क्या जरूरत है इसे, मेरा कमरा इतना बड़ा ही, मेरे साथ रह लेगा। अम्मी क्या हो गया आपको, बिला वजह आप डिस्टर्ब होंगी वहाँ पे। वैसे तो आप पहले अकेले रहती थी इसलिए मैं आपके पास हो जाता था, और अब तो हम अमीर हो चुके हैं ना, अमीर लोग अपने अपने कमरों में ही होते हैं। क्यों भाभी? हाँ आंटी, आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी, आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे आपदा भी मौजूद है। जीती रहो बेटा, तुम्हारे अम्मी अब्बू को तो कोई इतराज नहीं होगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी मॉम से बात हो गई थी, आपकी भी फोन पे बात करवा दूंगी मैं, तसल्ली हो जाएगी आपको। अम्मी आपने आप ही को बता दिया था ना? हाँ बेटा, नादिया को भी बता दिया और फरजाना को भी फोन कर दिया था मैंने। मैं आप लोग के लिए खाना लगवाती हूँ। जी हाय अम्मी, क्या जिंदगी है अमीरों की भी, खाओ पियो, हजम करो, सो जाओ, फिर उठो, वही रिपीट करो, क्या याशी की जिंदगी है। कुछ ज्यादा ही फजूल बातें नहीं करने लगे, जरा कम बोला करो। अच्छा क्यों, भाभी को बुरा लग रहा है क्या? लग भी सकता है। अम्मी भाभी बहुत अच्छे और बहुत बड़े दिल की हैं, आप लोग पता नहीं क्यों डरते हैं उनसे। अरे मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? बैठो बैठो, क्या कर रही हो? ये बस बटन टूट गया था वो टांग रही हूँ। आप फोन पे शाजिया को डांट क्यों नहीं थी वैसे? टांट नहीं रही थी, समझा रही थी। अब तुमसे क्या पड़ता, शाजिया के शौहर को बाहर जाने का भूत सवार हुआ है। अच्छा, कोई अच्छी जॉब लग गई है या बस किस्मत आजमाने के लिए जा रहे हैं? अरे जॉब कहाँ, कोई दोस्त है जो उसे लारे लप्पे दे रहा है। मैंने तो शाजिया को कहा है कि मना कर दे, भाई का हाल देखकर भी सबक नहीं मिला इन लोगों को। कहा तो खावर से भी है कि बहनोई को समझाए, लेकिन उसके पास तो वक्त ही नहीं अपने किसी रिश्तेदार के लिए। आज तो शाजिया भी शिकायत कर रही थी कि भाई तो सिर्फ बीवी का होकर रह गया है। आप जानती तो हैं आंटी, वो कितना मसरूफ रहते हैं, यहाँ तक कि इतवार को भी छुट्टी नहीं होती उनकी। अल्लाह बरकत डाले मेरे बेटे के काम में, दिन रात एक कर दिए उसने, बहुत मेहनत कर रहा है, अपने तो किसी काम आए नहीं, सारे काम उसने खुद करने। क्या ये शिकवा आप सारी जिंदगी करती रहेंगी मुझसे? जिबान से ना भी कहूं तो क्या है, दिल में तो सारी जिंदगी ये बात रहेगी।
और ये बात खाबर के दिल में भी रहेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आंटी, खाबर बहुत खुश हैं और मुतमईन भी हैं। जब इंसान के पास कोई और चारा ना हो तो खुश और मुतमईन होना ही पड़ता है। आप तो जानती हैं ना आंटी, अगर शानी के लिए मुमकिन होता तो वो जरूर कुछ ना कुछ करता। क्यों? बीवी के पैसे पर अपने पूरे घर को पाल सकता है, लेकिन बहनोई के लिए कुछ मुमकिन नहीं। देखा, मैं जीत गया। अरे वाह जुगनू, तुम तो एक्सपर्ट निकले। बस देख लें, अब अपना वादा पूरा कर लें आप। मैंने जुगनू से वादा किया था कि अगर ये जीत जाएगा तो हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। चले आंटी। अरे बेटा मैं कहाँ जाऊंगी, तुम लोग जाओ। अम्मी चले ना, इसी बहाने आउटिंग हो जाएगी। बेटा तुम्हें पता है मुझे आउटिंग का शौक नहीं है। ऐसा करो, शानी ले जाएगा। शानी तुम ले जाओ इन्हें। जी हाँ चलो। मैं नादिया से भी पूछ लेती हूँ। अरे जबरदस्त, ये तो और अच्छी बात हो जाएगी, वो भी एंजॉय कर लेंगे इसी बहाने। लेकिन पूछ लो उससे पहले, क्या पता जाए भी या नहीं। जी मैं पूछती हूँ। चले भाई। हाँ कहता रहूँ, चलो। हेलो। वालेकुम सलाम शांते, क्या हाल है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं वो तो घर पे ही नहीं है, जब से स्टोर संभाला है बहुत मसरूफ रहने लग गए हैं वो। अच्छा तुम लोग जाओ। नहीं नहीं किसी और दिन में और खबर आएंगे ना, तुमसे मिल लेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़। इसने इस वक्त क्यों फ़ोन किया था, क्या कह रही थी? आइसक्रीम खाने जा रहे थे, गए थे साथ। चलो। तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कमी है क्या? खावर से कहना वो तुम्हें आइसक्रीम लाके दे देगा। मुझे वैसे भी शौक नहीं है आइसक्रीम का, और आपने सुना होगा मैंने मना कर दिया था। समझ में नहीं आता कि अमीर लोगों के कैसे शौक होते हैं। जब दिल चाहा मुंह उठा के चल दिया सैर सपाटे के लिए, ऐसा जो बहुत होता है ना, मना इसलिए। वालेकुम सलाम। आ जल्दी से खाना लगा, तो भूख लगी है। और बताओ खैर खैरियत? गए थे बहन की तरफ? मैं स्टोर से आ रहा हूँ, टाइम ही नहीं था शादी के पास जाने का। ये लो, कितने दिनों से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि बहन तुम्हें याद कर रही है, चले जाओ उसकी तरफ, लेकिन माँ की बात तो तुम्हें सुनाई नहीं देती। इधर ही बीवी कहे ना कि मैके चलना है तो दौड़े चले जाओगे। वो ऐसा वैसा कुछ नहीं कहती, समझती है मेरी मजबूरियों। रहने दो रहने दो, अभी आया था उसकी भाभी का फोन, उसे तो कह रही थी कि तुम्हें लेकर आएगी। फोन आया था शांजे का? हाँ अभी थोड़ी देर पहले आया था, कोई सैर सपाटे का प्रोग्राम बना रही थी लेकिन तुम्हारी बीवी ने मना कर दिया। चलो अच्छा ही किया, ये अमीर लोगों के साथ और उनकी आदतें अपनाना कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसे लोगों से दूर ही रहे तो अच्छा है। कह तो आप ठीक रही हैं। और स्टोर कैसा जा रहा है, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। शांजे की कॉल आई थी क्या? अरे मिल गई आपको खबर, आई थी कॉल, कह रहे थे कि आइसक्रीम खाने चलो। तो फिर? फिर क्या, मैंने मना कर दिया, इतनी देर हो गई थी मैं कैसे जाते। मना नहीं करना चाहिए था, अगर कोई मोहब्बत से बुलाए तो उसका जवाब मुरब्बत से देना चाहिए। लेकिन आपसे पूछे बगैर तो नहीं जा सकती थी ना मैं। अच्छा देखो बाकियों की बात अलग है, लेकिन अगर आइंदा शांजे कुछ कहे तो बेशक मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं है, चली जाना उसके साथ।